हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी एजुकेशन ग्रुप में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैक्टर एनालाइज टॉपिक पर। फ्रेंड्स, फैक्टर एनालाइज होता है क्या है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब हम क्या करते हैं, जब लार्ज डाटा को छोटे एक्सटेंड में समराइज करते हैं तो उसको कहेंगे हम फैक्टर एनालाइज। अब हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि कई बार रिसर्चर क्या करता है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर हो गया या वेरिएबल होंगे के लिए को है ना यूज में लाना चाहता है। ठीक है, मतलब कि लार्ज में। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने एंड कंप्यूटेशन करने में क्या होती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिसर्चर को चाहिए कि पॉजिटिव जो कोरिलेशन है, जो मतलब कि जो सिमिलर से हैं, ठीक है, उनके अंदर रिलेशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेम कोरिलेशन वाले यानी पॉजिटिव कोरिलेशन वाले वेरिएबल में से एक को ही यूज मिलाएं, इसको क्या कहेंगे हम, फैक्टर एनालाइज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।